मध्य प्रदेश के खरगोन शहर के बस स्टैंड पर गत रात को एक व्यक्ति ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। घायल जितेंद्र मयाराम टावड़े निवासी टवड़ी मोहल्ला मछली बाजार रात को बस स्टैंड पर स्थित अंडे के ठेले पर अपने पिता मयाराम की दुकान अटोपने गया था। इस दौरान आपसी रंजिश के चलते बस पर चलने वाले रघु नाम के व्यक्ति ने जितेंद्र टावड़े पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे जितेंद्र के सीने, पीठ और कंधे सहित अनेक हिस्सों में जानलेवा हमला कर दिया। घायल जितेंद्र और उसके मामा मिश्री लाल ने घटना की जानकारी से अवगत कराते हुए जिला चिकित्सालय में इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। रात में मैं दुकान बंद करने गया था मेरी, तो रास्ते में खड़ा हुआ था दुकान के आगे, तो वहाँ से गाली गलौज कर दी थी और आपसे रंजिश भी थी पहले, तो उसने पूरी निकाल दी। मैंने समझाया उसको तो गाली मत दे मेरे को, तो और ज़्यादा गाली देने लगा। इसने चाकू निकाल लिया और मेरे को दो तीन जगह यहाँ मारा और पीछे भी मार दिया, चाकू से वार कर दिया और भाग गया। कौन था ये मारने वाला? ये गजू है, गजू कंडक्टर। कहाँ रहता है ऐसा कहीं? रात्रि में 12:30-1 बजे बस स्टैंड पे दिलीप ताड़े नाम के बच्चे को, एक रघु नाम के उसी के साथी युवक है, उसने किसी धारदार चीज़ से उस पर ब्लेड टाइप की चीज़ें उससे हमला किया है, जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, जिसके लिए हमने पुलिस भेजी है और जो भी आवश्यक वैधानिक कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है, शीघ्र आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। कितने लोग हैं सर इसमें? एक ही लड़का है रघु आरोपी। क्या आपसी रंजिश थी? आपसी बताते हैं कि पहचान है, आपसी संबंध है उनके, लेकिन अब किस बात पर विवाद हुआ वो इन्वेस्टिगेशन में बताया। अभी कैसी स्थिति सर? हॉस्पिटल में है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।